सुना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे YouTube चैनल पर रिव्यू देखा होगा, न्यू ट्रेंडिंग भोजपुरी स्टेटस कैसे बनाया जाता है, आज मैं उसी का ट्यूटोरियल आप लोग के बीच लाया हूँ। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा अलाइट मोशन ऐप्स करके, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अलाइट मोशन ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद आप प्लस आइकन पर क्लिक करिएगा, फ्रेम रेट 9:16 सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद बैकग्राउंड को आप ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक कर दीजिए, प्लस आइकन पर क्लिक करें, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। जितने भी फ़ोटो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसके बाद आप इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसी तरीके से प्लस कर लीजिए, उसके बाद इस फ़ोटो पर क्लिक करिए, 3 पॉइंट पर क्लिक करिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, उसके बाद आपके सेटिंग के बगल एरो बना है उस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद करंट फ्रेम रेट एज PSG क्लिक कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ से इसको ये सेव हो जाएगा, सेव कर लीजिए, उसके बाद बैक चले आइए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा बीट मार्क इफेक्ट करके, उसको आप ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद ग्रुप पर क्लिक करिएगा, एडिट ग्रुप कर दीजिए, उसके बाद नीचे वाले पर क्लिक करिएगा लेयर पर, उसके बाद कलर एंड फिल पर क्लिक करिएगा, यहाँ से स्टार जो बना इस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ पर आप फोटो सेव किए थे अलाइट मोशन से उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसी तरीके से इसको आप सेव कर लीजिए, उसके बाद इसको आप बैक कर लीजिएगा इसी तरीके से, उसके बाद आपको नीचे लेयर पे क्लिक करना है, फिल कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके से अलाइट मोशन आपसे आप किए थे इस यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको आप लगा लीजिएगा, इस तरीके से आपका फ़ोटो ये लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इमेज को प्लस करिएगा इसी तरीके से, उसके बाद आपको जो इमेज आपको दिया हूँ उस इमेज को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके से। आपको गर्ल्स की फ़ोटो लगाना है इसको आप प्लस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा इमेज पे क्लिक करिएगा, 3 पॉइंट पे क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, उसके बाद आप इसको आगे से कट कर लीजिए इसी तरीके से, इसको कट कर लीजिए, फिर से प्लस करिएगा, गर्ल्स की फ़ोटो लगा लीजिएगा आगे, उसके बाद आपको 3 पॉइंट पर क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, और उसके बाद फिर से आप आगे बढ़ा लीजिए, इसको कट कर दीजिए, उसके बाद आप फिर से प्लस करिएगा, आप ये गर्ल्स की इमेज लगा लीजिए, 3 पॉइंट पर क्लिक करें, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ा लीजिएगा, कट कर दीजिए, फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए, आप ये इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप 3 पॉइंट पर क्लिक करें, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा ये फ़ोटो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म लिखा है इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद इसको इस तरीके से आप बढ़ा लीजिएगा इसी तरीके से, इसको एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आगे वाला पार्ट यहाँ से आप कट कर दीजिए, उसके बाद आप फिर से प्लस करिएगा, मीडिया पर क्लिक कर दीजिए, आप ये इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, 3 पॉइंट पर क्लिक करिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए, उसके बाद आगे वाला पार्ट जैसे मैं आपको बताया था कट करने के लिए उसी तरीके से कट करना है, आप फिर से प्लस कर लीजिए, मीडिया पे क्लिक करिए, ये इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आप प्लस कर लीजिएगा, उसके बाद आगे से इसको कट कर दीजिएगा जिसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से आपको सारे इमेज लगाने हैं। और अगर वीडियो में समझाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ये इस वीडियो को स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ तक फ़ोटो लग चुका है, उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा इसी तरीके से जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के बाद इसमें आपको इफ़ेक्ट डालना है, तो आप बैक चले आइए, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा सेक इफेक्ट करके, उसको आप ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद पहले इमेज पे क्लिक करिएगा, इफेक्ट पे क्लिक करिए, 3 पॉइंट पे क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, बैक चले आइए, उसके बाद बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करेंगे,
ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है इसी तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। उसके बाद आपको पहले इमेज पर आना है आगे, इस इमेज पर क्लिक करिएगा, इस इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करें, थ्री पॉइंट पर क्लिक करें, पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ा लीजिए, फिर से पेस्ट कर दीजिए इस इमेज को, फिर से आप आगे बढ़ा लीजिए, इस इमेज को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप और आगे बढ़ा लीजिए, इसको भी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इसी तरीके से आपको नीचे आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा कि इफ़ेक्ट नंबर वन आपको कहाँ तक पेस्ट करना है इसी। उसके बाद इसको आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ा लीजिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, टू मिल गया है आपको। उसके बाद इफ़ेक्ट नंबर यहाँ पर आपको इस इमेज पर टू लगाना है, टू नंबर इफ़ेक्ट। इसको आप बैक कर लीजिएगा, सेक इफ़ेक्ट वाला ओपन करिएगा इस तरीके से। आप आगे बढ़ा लीजिए, इमेज टू पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करिएगा, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बैक चले आइए इसी तरीके से। बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको इफेक्ट टू पर आपको लगाना था, तो आप सबसे पहले नीचे चले आइए, आपका इफेक्ट टू कहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप आगे बढ़ा लीजिए इसी तरीके से। उसके बाद आप इमेज पर चले आइए, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए इसी तरीके से, आपका लग जाएगा। उसके बाद आप नीचे चले आइए, स्क्रॉल कर लीजिए, इफेक्ट नंबर आपको थ्री लगाना है। आप फिर से बैक चले आइए, सेक इफेक्ट ओपन करिएगा, उसके बाद आप थ्री नंबर इफेक्ट पर चले आइए, इफेक्ट पर क्लिक करिएगा, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से बैक चले आइएगा, बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करने कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। उसके बाद इफेक्ट नंबर थ्री जहाँ पर लगाना था उस लाइनिंग को आप देख लीजिए कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इफेक्ट थ्री लिखा है, उसके बाद इसको ऊपर कर लीजिए, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, नीचे देखिए आपको इफेक्ट नंबर फोर लिखा, आप बैक चले आइए, सेक इफेक्ट वाला ओपन करेंगे, आप फोर नंबर पर क्लिक करिएगा इमेज पर, इफेक्ट पर क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। फिर से आप बैक चले आइए, उसके बाद बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा इसी तरीके से। आप नीचे चले आइए, इफेक्ट नंबर फोर कहाँ पर है आप ध्यान से देख लीजिए, इस इमेज पर आपको इफेक्ट नंबर फोर लगाना है इसी तरीके से। इमेज पर क्लिक करिए, इफेक्ट पर क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप नीचे बढ़ा लीजिए, इफेक्ट नंबर आपको फाइव पेस्ट करना है। बैक चले आइए, सेक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद आप इसको काउंट कर लीजिए इफेक्ट नंबर फाइव कौन सा है। इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करें, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बैक चले आइए, उसके बाद बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करेंगे इसी तरीके से, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। उसके बाद आप नीचे चले आइए इसी तरीके से जैसे हम नीचे आ रहे हैं। उसके बाद आप इसको आगे इफेक्ट पे फाइव पे क्लिक करिएगा, ऊपर चले आइए इस इमेज पर, स्क्रॉल करके आप ऊपर बढ़ा लीजिएगा इसी तरीके से। आप इस इमेज पर क्लिक करिए, इफेक्ट पे क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक कर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए इस इमेज पर कौन सा इफेक्ट लगाना है, इफेक्ट नंबर सेवन लगाना है। आप फिर से बैक चले आइए, सेक इफेक्ट वाला ओपन करिएगा, उसके बाद आप लास्ट में चले आइए इस इमेज पर, इमेज पर क्लिक करिएगा, इफेक्ट पर क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बीट मार्क वाला ऑप्शन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा लीजिए ध्यान से, इफेक्ट नंबर सेवन आपका कहाँ लगा था आप ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट नंबर सेवन आपका यहाँ से लगना है। उसके बाद ऊपर कर लीजिए इसी तरीके से जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, आप और ऊपर कर लीजिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा आपका इमेज आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस इमेज पर क्लिक करिए, इफेक्ट पर क्लिक करिए, थ्री पॉइंट पर करिए, पेस्ट कर दीजिए आपका सेवन इफेक्ट। इसी तरीके से आपको इस तरीके से इमेज पर लगा लेना है, पेस्ट कर दीजिए आगे बढ़ाकर। उसके बाद इसी तरीके से आपको सारे इमेज पर लगा लेना है और आपका वीडियो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए ऐसा इफेक्ट लगा है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए रोज़ लाता रहूँगा,
उसके बाद सेटिंग के बगल वाले एरो पे क्लिक करिए और एक्सपोर्ट कर लीजिए। और वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकता है, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है। ऑल मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।